एक ब्राह्मण बालक पढ़ाई पूरी करके काशी से घर वापस लौटा। पिताजी ने पूछा, पढ़ाई पूरी हो गई? बालक ने कहा, जी पिताश्री, पढ़ाई पूरी हो गई। पिता ने पूछा, अच्छा बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप के बाप का नाम क्या है? बालक सोच में पड़ गया। उसने अपनी सारी पोथी पलट डाली, कहीं नहीं मिला। पिताजी को आकर बताया, पिताजी, गुरुजी ने तो ये नहीं पढ़ाया कि पाप का बाप कौन है। पिता ने कहा कि जाओ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ। ब्राह्मण बालक घर से निकल पड़ा, इधर उधर यहां वहां पता करने लगा कि आखिर पाप का बाप कौन है। कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी। वह एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी ही सुंदर युवती ने दरवाजा खोला। बालक अंदर गया, कहा, थोड़ी सी जल पिला दें, मुझे बड़ी प्यास लगी है। वह युवती जल लेकर आई। ब्राह्मण बालक ने जल ग्रहण किया। तत्पश्चात उसने पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने बताया, मैं इस नगर की वेश्या हूं। वेश्या शब्द सुनते ही बालक क्रोधित हो गया। राम राम, मेरा धर्म नष्ट हो गया, बड़ा पाप हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया। मैं तो पाप का बाप कौन है पता करने निकला था, आज ये बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। वेश्या ने मन में सोचा कि बालक जब पाप के बाप का नाम पता करने निकला है तो चलो आज इसको यही उत्तर दे ही देते हैं। वेश्या ने कहा, विप्र देवता, आपने जल तो ग्रहण कर ही लिया, हमारी इच्छा है कि हमारे द्वार पर आए हैं, कुछ भोजन कर लेते। ब्राह्मण बालक और क्रोधित हो गया, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन करूंगा? तुम्हारे यहां के जल ग्रहण करने मात्र से हमारा धर्म नष्ट हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप मेरे सर पर चढ़ गया, मैं तुम्हारे यहां का भोजन नहीं करूंगा। वेश्या ने निवेदन किया, विप्र देवता, जल तो ग्रहण कर ही लिए हैं, हमारे द्वारे से ब्राह्मण भूखा जाए यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप भोजन ग्रहण कर लें, मैं भोजन दक्षिणा में आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी। ब्राह्मण बालक ने कुछ क्षण मन में सोचा, जल तो ग्रहण कर ही लिया हूं, जो पाप होना था वो तो हो ही गया है, जनेऊ बदलना ही पड़ेगा, गंगा स्नान करना ही पड़ेगा, वस्त्र बदलने ही पड़ेंगे, जितना पाप लगना था वो तो जल ग्रहण करने मात्र से ही लग गया, अब भोजन भी कर ही लेता हूं, इसके बदले में 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। ब्राह्मण बालक ने कहा, ठीक है, मैं भोजन तुम्हारे यहां का ग्रहण करूंगा, परंतु मैं भोजन स्वयं बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ का, वेश्या के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करूंगा। वेश्या ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप स्वयं बना लीजिए, मैं सामग्री दे देती हूं। ब्राह्मण बालक रोटी बनाना प्रारंभ किया। वेश्या वहां गई और बोली, विप्र देवता, आप हमारे यहां अतिथि के रूप में आए हैं, आप स्वयं रोटियां बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी, परंतु मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं स्वयं बनाकर आपको खिलाना चाहती हूं।
ब्राह्मण बालक ने सोचा कि इसके हाथ का जल पीकर पाप तो लग ही गया है, इसके घर का अन्न खाकर तो पाप जो लगना होगा लगेगा ही। यदि यही बना दे तो 5 स्वर्ण मुद्राएं और मिल जाएंगी। बोला ठीक है, चलो तुम ही रोटी बना दो। वेश्या ने रोटी बनाया, खीर बनाया, सब्जी बनाया, ब्राह्मण बालक के आगे में परोस कर भोजन रख दिया। निवेदन किया ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण करे। ब्राह्मण बालक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया। वेश्या वहां गई और बोली, हे विप्र देवता, आप हमारे घर आए हैं, हमारे अतिथि हैं, हमारी इच्छा है कि अपने हाथों से आपको भोजन करा दूं। यह सेवा का अवसर बार बार नहीं मिलेगा, मुझे इतनी सेवा करने दे, मैं अपने हाथों से आपको भोजन करा देना चाहती हूं। ब्राह्मण बालक ने क्रोध से देखा, मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करूंगा, मैं वेश्या के हाथ से भोजन करूंगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वेश्या ने कहा, जो होना था वो तो हो ही गया है, मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं और दे दूंगी यदि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया तो। ब्राह्मण बालक ने सोचा कि चलो, जो पाप होना था वो तो हो ही गया है, तो क्यों ना 5 स्वर्ण मुद्राएं और ले ली जाए। ब्राह्मण बालक ने बोला, ठीक है, खिला दो अपने हाथ से। अब देखिए, 5-5 करते हुए 15 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में ब्राह्मण बालक बैठकर भोजन कर रहा है और वेश्या अपनी हाथों से उसे भोजन करा रही है। ब्राह्मण बालक ने भोजन ग्रहण किया, वेश्या ने 15 स्वर्ण मुद्राएं भोजन दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण बालक को दे दी और ब्राह्मण देवता से पूछी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? बोले, नहीं, प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला। बोले, पाप का बाप का नाम लोभ है, आपने जो इतना पाप किया वह सब आपने लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर किया। लोभः पापस्य कारणम्, लोभ ही पाप का कारण होता है। पाप के बाप का नाम लोभ है।